दिन के दरमियानी हिस्से में, वस्ती हिस्से में थोड़ा सा आराम करना कैलूला कहलाता है और ये सुन्नत है और ये पूरे जिस्म को रिलैक्स कर देता है। कैलूला करने से रात की नींद भी पुरसुकून हो जाती है और इस तरह मुकम्मल रिलैक्सेशन हासिल होती है, क्योंकि नींद का ना आना बजाते खुद एक स्ट्रेस होता है, तो कैलूला उसका इलाज है। कैलूला का मतलब जरूरी तौर पर सोना नहीं कि उसमें नींद ही आए, क्योंकि बाज लोगों को 15 मिनट में नींद नहीं भी आती, तो उस सूरत में खामोशी के साथ रिलैक्स करना, आंखें बंद करके कुछ देर अपने जिस्म को बिल्कुल ढीला छोड़ देना, ये भी उस मकसद को पूरा कर देगा। क्योंकि बाज लोग हो सकता ही कहें कि हमें इतनी देर में ना नींद आती है और ना ही हमें कुछ फायदा, नहीं जरूर फायदा होता है। और उसमें अगर आपकी आदत हो जाए रोज मखसूस एक वक्त पर लेटने की, तो उससे आपका ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो भी सेट हो जाएगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता 2-4 मिनट के लिए आप सो भी जाएंगे। 15 मिनट तक अगर आप सारी एक्टिविटीज खत्म कर दें और खामोशी के साथ लेट जाएं, तो दोबारा आपका पूरा सिस्टम रिचार्ज हो जाता है और मुस्तकिल तौर पर अगर आप ये आदत बना लें तो आपकी सेहत बेहतर हो जाएगी। लेकिन अगर आप इस मामले में इररेगुलर हैं, कभी किसी वक्त कर लिया, कभी किसी वक्त कर लिया, कभी थोड़ा कर लिया, कभी ज्यादा कर लिया, कभी बिल्कुल ही न सोए और कभी घंटों सोते रहे, तो इससे फायदा नहीं होगा ज्यादा। तो मुख्तसर वक्त के लिए रोजाना करें, ये नहीं कि छुट्टी के दिन 2-3 घंटे सो गए, अब उसका नुकसान क्या होता है, फिर अगले दिन इंसान वक्त पे नहीं उठता, देर से नींद आती है, फिर देर से नींद खुलती है, फिर वीक का पहला दिन अगर डिस्टर्ब है तो सारा वीक फिर डिस्टर्ब हो जाता है एक तरह से। तो इसलिए इस मामले में एतदाल जरूरी है।